जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, दुनिया में भगवान के नाम को लेने से बड़ा कोई काम नहीं। यों तो प्रभु निरंतर आपको याद रखते ही हैं, वे किसी को भी नहीं भूलते, पर नाम रटने से विशेष रूप से उनकी कृपा आपको दिखने लग जाएगी। कृपा तो अभी भी पूर्ण है, पर वह आपको दिख नहीं रही है। भजन करने से ही वह कृपा आपको दिखाई देगी। देखिए, छोटी मोटी टान, सत्संग, भजन, दोष की निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रीति का अंकुर एवं प्रेम, ये 9 सीढ़ियां हैं। इसमें हम लोग तीसरी सीढ़ी पर ही हैं और उस पर भी अपना पांव ठीक ढंग से नहीं जमाते, इसलिए हम लोग चौथी सीढ़ी अर्थात सब दोषों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। अतएव भजन करना है, खूब ठीक से मन लगाकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, जप का तार निरंतर चले, फिर आगे का काम तो अपने आप सब हो जाएगा। खूब भजन कीजिए, यही मृत्यु से बचने का उपाय है। नहीं तो मृत्यु तो एक दिन आएगी ही, वह मृत्यु ही अंतिम मृत्यु हो, उसके बाद फिर मरना ही ना पड़े, ऐसा उपाय बुद्धिमान को करना चाहिए। इसमें कोई परिश्रम नहीं है। भगवान भक्त वांछा कल्प तरु हैं, उनसे जो चाहिए वही वे देंगे। सामने मृत्यु खड़ी हो, ऊपर से बम के गोले पड़ते हों, पर सच मानिए, यदि आप उन्हें हृदय से पुकारें कि प्रभु मुझे बचा लो, तो फिर बम के गोले व्यर्थ हो जाएंगे। उसी क्षण, जबकि कलकत्ता जलता रह सकता है, आपकी देह को एक चिंगारी भी स्पर्श नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पर होगा विश्वास करके, उनके चरणों में अपने को सौंप कर, उनका ही एकमात्र भरोसा करके, उनको याद करने से। वे चाहते हैं एक बात, देखते हैं केवल यही कि सच्चा विश्वास है कि नहीं। विश्वास होने पर वे सब कर देते हैं। इसी प्रकार धन चाहिए तो एक क्षण में आपको करोड़पति, अरबपति, असंख्यपति बना सकते हैं, पर वहाँ भी वे देखेंगे कि इसका विश्वास हम पर है कि नहीं। धन चाहता है कोई बात नहीं, पर यह हमसे चाहता है कि नहीं, ठीक मानिए, केवल उनके चाहने पर, अर्थात प्रभु मैं तो आपसे ही धन लूँगा, यह ठीक चाहने पर वे परीक्षा करके देखेंगे। यदि आप डिगते हैं तो नहीं देंगे, पर यदि पास हो जाएंगे तो उसी क्षण सुदामा की तरह धन देकर, असीम ऐश्वर्य देकर आपको कृतार्थ कर देंगे। इसी प्रकार ज्ञान चाहिए ज्ञान देंगे, मोक्ष चाहिए मोक्ष देंगे, और भगवान का प्रेम चाहिए तो भगवान का प्रेम देंगे। मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से एक बार उनका पल्ला पकड़ लीजिए तो फिर सारी कामना मिटाकर सबसे ऊंची चीज अपना प्रेम ही आपको देंगे। इसलिए किसी भी प्रकार से सकाम निष्काम जीव से निरंतर नाम लीजिए, मन से निरंतर उन्हें याद कीजिए, और पाप से मृत्यु की तरह डरिए, बचने की पूरी चेष्टा कीजिए। प्रभु की कृपा पर विश्वास होने से तो भजन अपने आप होने लग जाएगा, पर जब तक विश्वास नहीं तब तक मन के साथ जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मन की मलिनता मिटेगी नहीं, और मलिनता मिटे बिना विश्वास भी नहीं होगा। वृत्ति न लगने पर भी जीभ यदि नाम उच्चारण करेगी तो भजन हो जाएगा। जय श्री राधे।
Thank you.
Yeah.
हृदय व्यथा के मारे क्षण सो लपटा कपटे कृष्ण पधारे आप उधर ही बैठो।